राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम चौहान ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेम चौहान का आरोप है कि बीजेपी ने अटल आहार योजना के नाम पर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तीनों एमसीडी के नेता प्रतिपक्षों ने कहा कि 2017 में भाजपा ने अटल आहार योजना की घोषणा की थी, जिसके जरिए बीजेपी ने दिल्ली के गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन का वादा किया था। कुछ भोजन काउंटर खोले तो लेकिन कुछ ही समय में उन्हें बंद कर दिया गया। प्रेम चौहान ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही ऐसी योजना की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, सभी काउंटर एमसीडी की जमीन पर खोले गए थे, जो आज बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के ट्रस्ट को मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पूछा कि किस प्रस्ताव के तहत ढलाव की ये जमीन गौतम गंभीर के ट्रस्ट को दी गई है। साथ ही यह भी पूछा कि सभी भोजन काउंटर कहां गायब हो गए हैं। 2017 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था और उसके साथ साथ उस समय मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने अटल जी के नाम से अटल जन आहार योजना का एक जिक्र किया था कि हम 10 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन देने का काम करेंगे। 2017 के लास्ट में दिसंबर में एक काउंटर रखा गया, हर जोन में एक एक काउंटर रखा गया, कियोस्क रखा गया, और फिर अगले साल जब बजट आया उसमें इसकी वाहवाही भी करी। बाकायदा इन्होंने अपने बजट भाषण में वाहवाही की कि हमने जो कहा वो किया। उसके बाद तत्कालीन जो स्टैंडिंग चेयरमैन है हमारे कर्नल ओबेरॉय जी, उनकी बुक में भी इसका जिक्र रहा कि अब हम इसको 4 से, जैसे साउथ में 4 हैं, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, तो 4 से 40 करेंगे। इसी तरीके से सबने इसका जिक्र किया, तीनों कॉरपोरेशन ने, पहले 4 थे अब ये 40 करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि ये जो काउंटर था, जो कियोस्क था, वो कियोस्क अब कहाँ है। साउथ एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है कि वो कैसे अपनों का सम्मान करती है। भारत रत्न के साथ सम्मानित किए जा चुके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के साथ ऐसा किया है।